देखो क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन है, इनमें क्या गिवन है, टू फिक्स्ड चार्जेस 4e एंड e, तो एक चार्ज क्या है 4e, एक है e, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ e, तो थर्ड चार्ज मैं कहां पुट करूं, इसके बीच में कहां पुट करूं ताकि फॉर इट, इट का मतलब कि जिस चार्ज को रखा वो किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम सुनते ही सबसे पहली कंडीशन, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स उस चार्ज पे क्या होनी चाहिए, जीरो। तो ये 4e, ये e, सेपरेशन a, और ये मैंने q को रख दिया, q को कहां रखा, एट ए डिस्टेंस ऑफ x, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, a माइनस x, तो अपने को x निकालना है। अब इक्विलिब्रियम क्या कहता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन की नेट फोर्स किस पे होनी चाहिए, जीरो, q पे। तो q के ऊपर नेट फोर्स निकाल लें, q पे जो नेट फोर्स है अगर निकालनी है तो q पे फोर्सेस कौन लगा रहा है, एक e लगा रहा है और एक 4e लगा रहा है, इधर से e लगा रहा है, इधर से 4e लगा रहा है। तो कैसे लगा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इस वेक्टर ड्रॉ किस पे करनी है, q पे, क्योंकि नेट फोर्स जीरो किस पे करनी है, q पे। तो 4e इस q को क्या करेगा, रिपेल। तो ये वेक्टर यहां आना चाहिए था, ये रहा 1 by 4 pi epsilon naught 4e into q by x square, और ऐसी ये e इस q को क्या कर रहा है, रिपेल। सारे वेक्टर कहां ड्रॉ करने हैं, q पे, क्योंकि नेट फोर्स किसकी जीरो करनी है, q की। तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा। तो ये फोर्स क्या है, 1 by 4 pi epsilon naught 4e into q by x square, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, 1 by 4 pi epsilon naught 4e into q by a minus x का होल स्क्वायर। दो वेक्टर्स क्लियर है, तो दो वेक्टर्स बन गए। अब वो क्या कह रहा है कि नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो। जीरो कब होगी, जब लेफ्ट और राइट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इक्वल कर देते हैं ताकि दो वेक्टर्स आपस में कैंसिल कर जाए, तो इन्हें इक्वेट कर दें, इक्वल कर दिया, इक्वल किया, टर्म्स कैंसिल हो गई, कैंसिल करके सॉल्व किया, एक्स की कितनी आ गई, टू ए बाई थ्री। ठीक, तो मतलब इक्विलिब्रियम जहां पर भी लिखा होगा वहां पर आपको करना क्या है, वहां पर आपको नेट फोर्स को जीरो कर देना है। ठीक, अब एक और क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का ही है, क्या चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस कैपिटल क्यू। वो कह रहा है देखो कैपिटल क्यू और सेंटर, एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर छोटा क्यू पड़ा है। सेंटर का मतलब कि अगर ये एक्स तो ये भी एक्स। क्वेश्चन है, शो दैट सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब फर्क है, सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम का मतलब है तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में। ऊपर वाले क्वेश्चन में वेयर शुड थर्ड पॉइंट चार्ज वी प्लेस फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो यानी कि छोटा क्यू इक्विलिब्रियम में है, सारे इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि सिस्टम ही इक्विलिब्रियम है, सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है और ये भी इक्विलिब्रियम में है, तीनों इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम में, यानी कि नेट फोर्स इस पे भी जीरो है, इस पे भी जीरो है, इस पे भी जीरो है, तो प्रूव करो कि छोटा क्यू माइनस क्यू बाय फोर के इक्वल होगा। अब सबसे पहली चीज जो मेरे माइंड में आती है वो ये आई कि अगर ये एक्स है और अगर ये एक्स है तो क्यों ना इसका इक्विलिब्रियम बनाए, सारे वेक्टर्स पे ड्रॉ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव को क्या किया, रिपेल, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाय एक्स का स्क्वायर, और ऐसे इस क्यू ने इस क्यू को क्या किया, रिपेल, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाय एक्स का स्क्वायर। अब इक्विलिब्रियम में तो दोनों वैल्यूज बराबर, मैंने इक्वल किया, सब कैंसिल हो गया, मेरा आंसर नहीं आया। ठीक है, इक्विलिब्रियम दिख रहा है मुझे, इक्विलिब्रियम में है, पर मुझे जो प्रूव करना है वो नहीं आया इसमें। कोई बात नहीं, इससे आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ये किया हुआ है मैंने, पहले इसका इक्विलिब्रियम बनाया, देखो आंसर नहीं आया। अब मैंने ये चार्ज पकड़ लिया क्योंकि ये भी तो इक्विलिब्रियम में है, तो अब मैं सारे वेक्टर इसके ऊपर ड्रॉ कर लेता हूं। इससे बात नहीं बनी, कोई बात नहीं, तीनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है। इससे आंसर नहीं आया, इससे आ जाएगा, इससे नहीं आया तो इससे आ जाएगा।
अब सारे वेक्टर इस पे ड्रॉ करें, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, 1/4 pi epsilon naught क्यू इंटू क्यू बाई एक्स का स्क्वायर, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। सारे वेक्टर कहां ड्रॉ करने हैं, कैपिटल क्यू, क्योंकि इक्विलिब्रियम किसका बनाना है, कैपिटल क्यू का। अब दो वेक्टर लेफ्ट की तरफ है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू जीरो कर दिया, इन दोनों फोर्सेस को ऐड किया इक्वल टू जीरो, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो आनी चाहिए जीरो से कॉमन कट गया, सिंप्लीफाई किया तो क्यू की वैल्यू क्या आई, माइनस क्यू बाई फोर, दिस इज द आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, तो आप पहले एक से आंसर नहीं आएगा, दूसरे से आएगा, दूसरे से नहीं आएगा तो तीसरे से पक्का आ जाएगा, पर जिसका भी इक्विलिब्रियम बनाना है सारे वेक्टर उसी के ऊपर ड्रॉ करने हैं, बात खत्म। ठीक है यहां तक, ये वाला मैंने ये कहा, उसने कहा कि प्रूव करो सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इक्विलिब्रियम का मतलब कि तीनों के तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में, तीनों की नेट फोर्स जीरो है, ऐसा तब होगा जब q माइनस क्यू बाई फोर होगा। तो पहले मैंने इसका इक्विलिब्रियम बनाया, सारे वेक्टर इस पर ड्रॉ किए, सब कट गया, आंसर नहीं आया। फिर मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं, ये इक्विलिब्रियम में है, तो मैंने कैपिटल क्यू चार्ज ले लिया, तो मैंने ये कहा कि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, सारे वेक्टर यहाँ ड्रॉ किए, सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं, इन्हें ऐड किया, इक्वल टू जीरो किया, आंसर आ गया। ठीक, तो ये ट्राई करना पड़ेगा, तो आपको ये प्रैक्टिस से पता लगेगा, जब न्यूमेरिकल अनसॉल्व करोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि इसको कैसे वेक्टर, ये आपका होमवर्क है आज का, सुपर पोजिशन के ऊपर आपने काम करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन को करते हैं पहले, ये वाला, इस क्वेश्चन को पढ़ना प्लीज। फ्री पिथ बॉल, पिथ बॉल एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है या रुक सकता है, चार्ज एक चार्ज बॉडी हो सकती है। 8 ग्राम्स की कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज और 5×10⁻⁸ कूलम, एक बॉल है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। व्हाट मस्ट बी नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट वुड बी गिवन उस सेकेंड पिथ बॉल, एक और पिथ बॉल लो तो बताओ उसके ऊपर साइन क्या होगा चार्ज का, पॉजिटिव की नेगेटिव, और उसकी वैल्यू भी क्या होगी, जो कि 5 cm वर्टिकली बिलो द फॉर्मर, तो ऊपर वाली बॉल जो पॉजिटिव है वो ऊपर है और इसको नीचे रखना है, सो दैट अपर पिथ बॉल इज स्टेशनरी, ऊपर वाली बॉल रेस्ट पे रहे हवा में। अब डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये एक पिथ बॉल है, मुझे बताना है इसका नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा। दूसरे पिथ बॉल ये रही, ऊपर है इसके, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, ये पिथ बॉल हवा में कैसे टिक सकती है, तो गिर जाएगी, क्यों गिरेगी, बिकॉज ऑफ इट्स वेट, इसका वेट नीचे गिर रहा है। तो ये बताओ कि कौन इसको बचा सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन,
अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज है और अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज बॉल होती तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता, रिपेल, दूर भगाता, तो फोर्स कहाँ लगती, ऊपर, जो किसको बैलेंस करती, वेट को, तो बॉल हवा में टिकती और वो यही कह रहा है कि बॉल को हवा में टिकाना है, तो बॉल क्यों नीचे गिर रही है, बिकॉज ऑफ इट्स वेट, बॉल हवा में क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो पहला आंसर, नीचे की जो पिच बॉल है उसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, ताकि ये इसे क्या कर सके, रिपेल। पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो 5 सेंटीमीटर गिवन है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे एसआई में, तो ये इसे रिपेल करेगा ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज मुझे पता नहीं Q2, इसका चार्ज मुझे पता है Q1 और डिस्टेंस मुझे पता है, एसआई में कन्वर्ट करना मीटर में का स्क्वायर, और वेट कितना है इसका, mg, और m मुझे 8 ग्राम पता है, फर्स्ट पिच बॉल का मास मुझे कितना है। तो मैं एक काम करता हूं, इन्हें इक्वेट कर लेता हूं, नीचे की फोर्स वेट है, ऊपर की जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है। इक्वेट किया, 8 ग्राम को kg में कन्वर्ट करना है, 10 की पावर -3, और यहां से Q2 की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये आप सॉल्व करेंगे, आपको होमवर्क में मिलेगा, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे सोचना है इसमें आपने, ठीक है? यहां तक तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, वही उसको हवा में टिका सकता है, नहीं तो पिच बॉल अपने वेट से नीचे गिरी जाएगी। ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक, अब CGS की अगर आप बात करें तो जैसे वैक्यूम, CGS, नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए वो सारे के सारे क्वेश्चन वैक्यूम के ही हैं। बाय डिफॉल्ट ही मैं क्या लगाता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वैक्यूम होगा हमेशा, मीडियम ही तो होगा। तो मीडियम के लिए SI सिस्टम में वैक्यूम के लिए ये फोर्स की वैल्यू हमने की, मीडियम में क्या किया, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम कर दिया, ये फॉर्मूला बना था। ठीक, फिर मैंने आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिखाया था, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, जो आज हमने डिवाइड की थी दो इक्वेशंस को, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एप्सिलॉन एम क्या आया, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो आप इस एप्सिलॉन एम की जगह पुट कर सकते हो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, राइट? पर अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो वैल्यू आई ये वैक्यूम में आई, एसआई सिस्टम में आई, वैक्यूम में, ये वैक्यूम में आई, ये सॉरी मीडियम में आई और एसआई सिस्टम में ये फॉर्मूला बन गया। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल किया जाएगा तो उस न्यूमेरिकल में हम अगर वैक्यूम है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर मीडियम है या तो वहां पर एप्सिलॉन एम यूज करेंगे या के इंटू एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। ठीक, तो के डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा आ जाएगा इन केस ऑफ मीडियम। ठीक हो गया, फॉर्मूला क्लियर है? ये कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहा है, एसआई। अगर हम सीजीएस को याद करें, सीजीएस में वैक्यूम के अंदर ये कांस्टेंट क्या हुआ करता था, 1। तो आपको याद होगा ये जो वैल्यू है ये किसी मीडियम में फोर्स की वैल्यू है एसआई में। अगर मैंने इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो CGS में इस कांस्टेंट को क्या रिप्लेस करेंगे, 1। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया। तो इन शॉर्ट ये मैंने क्या बताया आपको, फाइनली मैंने आपको ये बताया कि ये फॉर्मूला यूज कैसे करने हैं न्यूमेरिकल्स में, लिखना हो कहीं लिख भी लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैक्यूम है, SI है, तो फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर वैक्यूम है, CGS है, फोर्स का फॉर्मूला 1 इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर मीडियम है, SI है, तो फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1
q1 q2 by r square या फिर 1 by 4 pi k into epsilon naught q1 q2 by r square या फिर k लिख सकते हैं या k की जगह epsilon m भी लिख सकते हैं, epsilon r लिख सकते हैं, बताया था ना relative permittivity और k एक ही बात है, ऐसे ऐसे ठीक, ये रहा। और अगर CGS है और मीडियम है तो फोर्स का फॉर्मूला 1 by k q1 q2 by r स्क्वायर। बस तो ये तीन चार फॉर्मूलाज यूज होने हैं, तो अल्टीमेटली वो किसी भी फॉर्म में यूज हो जाएंगे, तो ये फॉर्मेट है। मीडियम में ऐसे लिख लें के की जगह एप्सिलॉन आर लिख लें, एक ही बात है, और वैक्यूम में तो 1/k आएगा ही, ठीक है। अब कब वैसे ज्यादातर वैक्यूम ही चलता है, सीजीएस में मुश्किल से एक आध क्वेश्चन ही मिलेगा आपको, वो इसीलिए करवा दिया क्योंकि एक आध क्वेश्चन के लिए वैसे ऐसा किया मैंने। ये रहा सीजीएस का क्वेश्चन, देखना क्वेश्चन देखने के बाद पढ़े। तो फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्जेस प्लेस इन अ मीडियम एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 cm फ्रॉम ईच अदर इज 16 डाइन्स, इंपॉर्टेंट डाइन्स सीजीएस है। या तो सिंपल एक काम करो, डाइन्स को ना न्यूटन में कन्वर्ट कर दो, बात ही खत्म, झंझट ही खत्म हो जाएगा। नहीं कोई बात नहीं, डाइन्स पे रहने दो। ऑन इंक्रीजिंग वन ऑफ द चार्ज बाय 56 स्टैटकुलम, अब स्टैटकुलम है तो सीजीएस में करना पड़ेगा, तो आपने चार्ज को बढ़ा दिया क्यू प्लस 56 किया, पहले इक्वल चार्जेस है क्यू एंड क्यू, अब क्यू और क्यू प्लस 56 हो गए, एक चार्ज को बढ़ा दिया, तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस मस्ट बी चेंज बाय 3 cm, तो डिस्टेंस को 3 cm चेंज करना पड़ गया इन ऑर्डर टू कीप फोर्स बिटवीन देम सेम। मतलब हमने चार्ज को बढ़ाया, डिस्टेंस को चेंज किया, फोर्स जितनी पहले थी उतनी अब है, दोनों केस में फोर्स सेम है, आपको चार्ज बताना है क्या है और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताने। रूल नंबर 1, फॉर्मूला क्या लगेगा सीजीएस का मीडियम में, क्योंकि उसने वैक्यूम बोला ही नहीं है, प्लेस भी ना क्या बोला है मीडियम, तो अगर मीडियम बोला है तो फॉर्मूला क्लियर है। केस नंबर 1, पहले वो क्या कह रहे हैं, चार्जेस बराबर है, डिस्टेंस कितने 9 है, तो ये आपने वैल्यू को पुट कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है, सही है। q1 q2 qq / 9 का स्क्वायर सेंटीमीटर में रहने दो, और डाइन्स में क्या आएगा 16। केस नंबर 2 में चार्ज एक क्यू है और एक क्यू प्लस 56 है, बढ़ा दिया तो फोर्स अभी भी कितनी है 16 की 16,
फोर्स नहीं चेंज करनी उसमें, फोर्स रिमेनिंग सेम, फोर्स अभी भी 16 है, तो डिस्टेंस को 3 सेंटीमीटर चेंज कर दिया। अब 3 सेंटीमीटर चेंज में 3 सेंटीमीटर बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। हमें कैसे पता लगा कि इसमें प्लस करना है? क्योंकि न्यूमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर भी इंक्रीज होगा, तभी रेशियो विल रिमेन सेम। क्योंकि न्यूमिनेटर इंक्रीज करने को कहा उसने, तो डिनोमिनेटर भी 3 से इंक्रीज करो ताकि रेशियो 16:16 रहे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करके क्यू एंड के अननोन्स हैं, आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम को करना है।